श्वेत पत्र पर निर्मला सीतारमण संसद में कुछ बोल रहे हैं, आपको सीधा लेकर चलेंगे। जरा सुनने का क्षमता रखने के लिए बोलिए सर। सर 2000 इंग्लिश आई टेल यू, या प्लीज लिसन विद सम पेशेंस, डोंट जंप टू कंक्लूजंस। सर 2013-14 व्हाट वाज द प्रोडक्शन सर? प्रोडक्शन 567 मिलियन टन्स। I am speaking of 900 million tons this year, 1 billion tons this coming year. So what? What are you talking, man? So please, sir, production Bharat desh mein utpadan hua, import karne ka necessity nahi hoga, foreign exchange payment karne ko nahi hoga. Simple economics, sir. Oh my God. इसको समझ में नहीं आया। Sir, थोड़ा सुन लो ना, ध्यान। Public sector undertaking. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कभी भी बोलते हैं प्राइवेट का इतना प्रोत्साहन दे रही हो, इनके पॉलिसी के द्वारा पब्लिक सेक्टर भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। आपको मालूम है कहां पहुंचा पब्लिक सेक्टर? अभी अयो प्लीज लिसन सर, पीएसयू कोल प्रोडक्शन, कोल इंडिया production, coal India public sector undertaking is sir. Public sector undertaking coal India. Sir, क्या हो रही है सर? ये क्या हो रही है सर? बैठिए। What is going on? Please. No, please बैठिए। Sir, please. सुनो भाई, सुनो। आदिर रंजन जी, please सुनो भाई, सुनो। Sir. Public sector undertaking Coal India Limited 2013-14 में से लेकर के 2013-14 से लेकर के आज तक 22-23 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके द्वारा जो हुआ 4.3 टाइम्स हुआ है उससे पहले के जमाने से तुलने में। So public sector undertaking is also prospering, is also additionally investing, is also producing. ये जितने भी चला है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सर, ये झूठ झूठ क्या है सर? पार्लियामेंट्री है क्या? प्लीज रिमूव दैट, रिमूव, एक्सपेंस करिए। ये झूठ क्या चीज है सर? आई गो टू द नेक्स्ट सर। दूसरा एक और एग्जांपल करती हूँ सर, इनको सह नहीं पा रहे हैं कि इतना सच्चाई आ रही है उनके सरकार के कार्यकाल के ऊपर, इसीलिए इतना चिल्लाना, क्योंकि और उनके पूर्व अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, उनको इंप्रेस करना है। मैडम हम डिफेंड कर रहे हैं हमारी पार्टी को, गलत बयान दे रहे हैं, झूठ झूठ उपयोग यही कर सर। बैंक्स के कहानी में जरूर बोलना चाहती, बैंक्स के कहानी में जरूर बोलना चाहती, और इसमें इसमें व्हाइट पेपर में जितने भी है उसमें मैं एक विषय मानती हूं, एक चरित्र है कांग्रेस पार्टी का बैंकों के खिलवाड़ करने के लिए, चरित्र है दैट दे कॉन्स्टेंटली मिसयूज दे पावर्स एंड प्ले विद द बैंक्स। नेशनलाइज हमने ही किया बोलते हैं, मगर मैं बोलती हूं तीन उदाहरण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1976 में श्री आर के तलवार जी होते थे एक चेयरमैन, बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड चेयरमैन था बैंक में, ठीक है सर। वो उनके इमरजेंसी के टाइम में, क्योंकि उनके पसंदीदा एक पार्टी को लोन नहीं दिया, उसके कारण उनको सीबीआई के द्वारा इतना सताए, आर के तलवार, आर के तलवार एकदम इंटीग्रिटी के साथ क्लीन व्यक्ति था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहते थे, एकदम क्लीन एंड इंटीग्रिटी में हाई होने वाले इस व्यक्ति को, क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त को लोन नहीं दिया, उनको सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके फिर दे वांटेड टू समहाउ रिमूव हिम, हटा भी दिया उनको, क्योंकि
नहीं, ये नगरवाला नहीं है, ये एसबीआई का एक आरके तलवार का स्टोरी है 1976। उससे पहले 1950 का स्टोरी लीजिए, मुंद्रा स्कैम। उसमें हरिदास मुंद्रा जी ये कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसको उनके कंपनी में एलआईसी के द्वारा लोन, एलआईसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था। आई एम कमिंग मैडम, आई विल कम टू स्पीक ऑन द व्हाइट पेपर, ऑफ कोर्स आई विल डू। ठीक है सर, एलआईसी इन्वेस्टमेंट कमिटी को इन्फ्लुएंस करके तब के 1950 में 1.26 करोड़ शेयर्स वो डूबरा कंपनी, डूबने वाले कंपनी में एलआईसी के पैसा 1.26 करोड़ डलवा दिया। उसके कारण जब वो स्कैम बाहर आया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बना करके हटा दिया, टीटी कृष्णमाचार्य जी को बलि का बकरा हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, और